अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदेद मेरे चैनल एन इल्म पर। 1936 में शेख खानदान में आंख खोलने वाला एक बच्चा अपनी उम्र की मंजिलें तय करते हुए जवानी की दहलीज तक पहुंचा तो लोग उसे सेठ आबद के नाम से जानने लगे। 1936 में कसूर के सरहदी इलाके के करीब शेख खानदान में पैदा होने वाला सेठ आबिद जिंदगी के 85 साल गुजारकर 8 जनवरी 2021 को दुनियाए फानी से रुखसत हो गया। ये शख्स अपने साथ जुड़ी हुई बहुत सी कहानियां और अफसाने साथ ही ले गया जिनकी हकीकत के बारे में शायद ही अब हम जान सकेंगे। 1950 में सेठ आबिद को कराची मुंतकल होना, जहां इनके वालिद सराफा बाजार में सोने चांदी का कारोबार करने लगे थे, ऐसा रास आया कि उसने जिस चीज में भी हाथ डाला उसे सोना कर दिया। स्मगलिंग का धंधा जहां धन दौलत लेकर आता है, वहां कानून और इस धंधे से मुंसलक लोगों की दुश्मनियां भी विरासत में मिलती हैं। सेठ आबिद की कराची के स्मगलर से एक मुलाकात इसको इस पेशे में खींच लाई। ये काम इसको इतना रास आया कि आने वाले वक्त में ये बेतहाशा दौलत में खेलने लगा। आगे चलकर उसने जमीनें खरीदकर सोसाइटीज बना डाली, टावर, होटल और मोटल्स के बिजनेस में भी कदम जमा लिए, स्टॉक मार्केट में भी नाम कमाया और सोने की स्मगलिंग का बादशाह बन गया। स्मगलिंग का कारोबार कभी भी दो रियासतों की सरहदों के आर पार नेटवर्क्स के बगैर काम नहीं करता। इस खेल में कुछ हिस्सा रियासती अशराफिया और सरकारी अफसरान के खाते में जाना ही होता है। इसके अलावा माशरे में दोहरी जिंदगी गुजारने के लिए इखलाकी और खैर सिगाली का एक सिस्टम भी कायम करना होता है। इसके लिए चैरिटीज और वेलफेयर की चादर तानी जाती है। सेठ आबिद 50 की दहाई के एंड तक पाकिस्तान में सोने की स्मगलिंग में अपनी अजारादारी कायम कर चुका था। ये शख्स स्मगलिंग के साथ साथ नडर और इंतहाई बा असर शख्सियत बन चुका था। 1958 में कराची एयरपोर्ट पर मुखबरी होने की वजह से ये कस्टम हकाम के हाथ लग गया। इसके कब्जे से 3100 तोला सोना बरामद हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कस्टम हकाम ने बताया कि उन्होंने 2000 तोला सोना बरामद किया है तो सेठ आबद बेबाकी से बोल पड़ा, सर 2000 तोला सोना नहीं बल्कि ये 3100 तोला सोना है। बहुत जल्द अपने ताल्लुकात, ताकत और पैसे की बदौलत सेठ आबिद रहा होकर अपना नेटवर्क चला रहा था। अपनी रहाई के चंद माह बाद ही हमसाया मुल्क की पुलिस को मुखबरी हो जाने पर अपने बचने के लिए सोने की एक खतीर मकदार छोड़कर फरार होने पर मजबूर हुआ। इन सब मुखबरियों और पुलिस के हाथों बार बार परेशान होने से बचने के लिए उसने भेष बदलने में महारत हासिल की। तजर्बे और भेष बदलने की सलाहियत ने
उसकी स्मगलिंग की सलाहियतों को एक नई पहुंच दे दी। कहते हैं कि स्मगलर और स्मगलिंग दोनों ही मुल्क की मईशत के लिए जहर कातल हैं। मगर आप जानकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर ये बात सेठ आबद से रिलेट करें तो ये दोनों चीजें गलत साबित होती है। सेठ आबिद ने वक्त और हालात से सीखते हुए अपने ताल्लुकात पाकिस्तान में हुकूमती इंतजामिया और सियासी हलकों में तो वसी किए ही थे, मगर उसने ये काम सरहद पार मुल्कों में भी किया। उसके ताल्लुकात 30 सालों में इस कदर बढ़ चुके थे कि उसने इंडिया की सोने की स्मगलिंग में अजारादारी को खत्म करके रख दिया। इसके ताल्लुकात का नेटवर्क लंदन, दिल्ली और दुबई तक फैल चुका था। शुरू में इस नेटवर्क में सेठ आबद के करीबी रिश्तेदारों ने बड़ी मदद की, और देखा भी जाए तो इस खेल में किसी बाहर के अननाउन बंदे पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ना अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। दुबई में मकीम इसके भाई और दिल्ली में सफर करने वाले इनके दामाद ने इनका बड़ा साथ दिया। 1950 की दहाई खत्म होने जा रही थी और सेठ आबिद की स्मगलिंग अरूज पकड़ रही थी। इसका स्मगलिंग का निजाम अब कराची, दिल्ली और लंदन में कदम जमा चुका था। वहां मौजूद एजेंट्स के लिए सेठ आबिद का नाम अब नया नहीं था। गिरफ्तारियां और अखबारी खबरें इस पेशे के साथ साथ ही चलती हैं। यही कुछ 1963 में हुआ जब सेठ आबद के बहनोई को सोने की ईंटों के साथ दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया और पहली दफा इंडिया के मशहूर अखबार ने सेठ आबिद के लिए गोल्ड किंग का नाम इस्तेमाल किया। 1950 से लेकर 1960 तक का अशरा सेठ आबिद को बहुत अरूज दे गया। इस अरूज में जहां रियासत के सरपरस्तों और अहम सीटों पर बैठे हुए अफराद ने अपने हाथ इस बहती गंगा में धोए, वहीं सेठ आबद ने अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए अपनी कमाई हुई दौलत से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुबई और लंदन में भी सरमायाकारी शुरू कर दी। और यूं जल्द ही पाकिस्तान में सेठ आबिद का शुमार सबसे ज्यादा दौलतमंद लोगों में होने लगा। इस पेशे में अपनी जहानत और पैसे के बलबूते पर इसे मारूफ एयरवेज में काम करने वाले भी मिल गए जिन्होंने इसे सहूलत मुहैया की। इस कारोबार में इसकी जहानत और चलाकी का कोई सानी न था। इस काम पर इसने अपनी अजारादारी तो कायम रखी, मगर इसके साथ घर बैठकर कमाने का गुर भी सीखा। इसके लिए उसने सरहद के करीब कई एजेंट्स बनाए और इनसे अपनी टर्म और कंडीशन पर काम लिया। ये कहना बेजाना होगा कि उसने इन सरहदी इलाकों में अपनी फ्रेंचाइज खोल दी। जहां पर एजेंट्स पैसा कमाते थे तो वहीं सेठ आबद कुछ किए बिना अपनी दौलत के असासे बढ़ाता चला गया। कोई भी कारोबार हो, मुकाबला बाजी का रुझान हर जगह ही रहता है। इस शोबे में भी सेठ आबिद के बहुत हरीफ थे, मगर कोई भी उसकी जैसी सलाहियतों और सोशल नेटवर्क के साथ साथ दौलत की रेल पेल में हम पल्ला न था। भट्टो ने अपने दौर में पार्टी की फंडिंग के लिए सेठ आबिद से
करोड़ों रुपए तलब किए थे, मगर सेठ आबिद ने साफ इनकार कर दिया था। वक्त के हुक्मरान ना सुनने के आदि कब होते हैं? जब कोई हरबा कामयाब ना हुआ तो सेठ आबिद की बेटी को किडनैप करवा लिया गया और रैंसम में करोड़ों रुपए तलब किए गए, मगर शायद भट्टो भूल गए थे कि इनका पाला किसी ऐरे गैरे स्मगलर से नहीं पड़ा। सेठ आबिद का जो रिएक्शन आया, शायद भट्टो ने अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी ना होगा। भट्टो की बेटी और पाकिस्तान की एक्स प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भट्टो को सेठ आबिद ने लंदन में उठवा लिया। फिर वक्त की सितम जरीफी देखिए कि रियासत के हुक्मरान को एक मैसेज मिलता है, मिस्टर भट्टो, क्या आप अपनी बेटी की रहाई सेठ आबिद की बेटी की रहाई से ट्रेड करना चाहेंगे? और यूं सेठ आबिद की बेटी खैरियत से अपने घर और उधर बेनजीर अपने घर पहुंच गई। इस वाकये के 4 साल बाद सेठ आबिद के घर छापा पड़ता है और उस वक्त सेठ आबिद के घर के कमरों की जो तस्वीर अखबारों की जीनत बनी, उनमें शेल्फ पर नोटों के बंडल इस तरह रखे हुए थे जिस तरह के किताबों की दुकानों पर शेल्फ में हर तरफ किताबें ही किताबें रखी जाती हैं। उस वक्त इन करेंसी नोटों की मालियत तकरीबन 13 मिलियन पाकिस्तानी रुपयों में थी। इन करेंसी नोटों के अलावा भी बहुत कुछ बरामद हुआ था। सेठ आबिद, जो के गुमनामी की जिंदगी गुजारना ज्यादा पसंद करता था, अब आए दिन उसका नाम गोल्ड किंग के नाम से खबरों की जीनत बनने लगा। हुकूमत ने इस केस के लिए खसूसी ट्राइब्यूनल बनाया और केस चलने लगा। कोर्ट की पेशियां और गवाहों के बयानात का सिलसिला चल निकला। हर जगह सेठ आबिद का ही जिक्र था। यही वो वक्त था जब इस शख्स से रिलेटेड अफसानवी कहानियों ने भी जन्म लेना शुरू किया। हुकूमत ने अपनी सारी कोशिशें कर ली, मगर सेठ आबिद इस हुकूमत के लिए एक छलावा बना रहा, जिसके लिए अदालतों के समन और हुकूमती अदारों की रिट कोई अहमियत ना रखती थी। सेठ आबिद को तो ना पकड़े जाना था और ना ही वो पकड़ा गया, मगर ज़ियाउल हक ने भट्टो की हुकूमत खत्म कर दी। मार्शल्ला लगा और कहते हैं ज़ियाउल हक के खसूसी पैगाम और कानून में रायत के सबब सेठ आबिद ने रजाकराना तौर पर अपनी गिरफ्तारी दे दी और यूं एक बातचीत का दरमियानी रास्ता निकाला। यहीं पर सेठ आबिद ने अपने जब्त शुदा असासों की वापसी का मुतालबा भी किया। इसी साल दिसंबर में जब ये अनाउंस किया गया कि सेठ आबिद ने अब्बासी शहीद हॉस्पिटल और जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर हॉस्पिटल में एक खतीर रकम चैरिटी की मद में दी है, तो समझने वाले समझ गए थे कि दरमियानी रास्ता निकल आया है। फिर चैरिटीज का सिलसिला चल निकला, जिसने स्मगलिंग और माजी के मुकदमात की धूल मिटानी शुरू कर दी और यूं बेतहाशा कमाई गई दौलत में से कुछ हिस्सा चैरिटी के नाम पे दान करके नेक नामी कमाई। वक्त गुजरने के साथ साथ अब सेठ आबिद को कोई स्मगलर या माजी के मुकदमों की वजह से कोई मुजरम की नजर से नहीं देखता था, बल्कि अब वो माशरे का एक मोतबर और बाइज्जत शहरी बन चुका था। सेठ आबिद का नाम किसी न किसी वजह से पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम से भी जोड़ा गया।
इसमें कितनी सदाकत और कितना अफसाना है कोई नहीं जानता। मगर नाजरीन के लिए दिलचस्प बात यह होगी कि कराची एयरपोर्ट पर 1958 में जब्त होने वाला 3100 तोला सोना 1986 में सेठ आबिद को वापस मिल गया। कुदरत ने अगर सेठ आबिद को दौलत की फरावानी से नवाजा था तो वहां पर उसका इम्तहान औलाद की शक्ल में लिया था। औलाद में एक बेटी और तीन बेटे कुल असासा थे। इनमें से एक बेटा कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम था। शायद इस तकलीफ को महसूस करते हुए उसने गूंगे बहरे बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए हमजा फाउंडेशन कायम की। इसके साथ साथ उसकी हॉस्पिटल्स को चैरिटीज का सिलसिला भी चलता रहा। खासकर शौकत खानम हॉस्पिटल इसमें शामिल था और इसका तस्करा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी रीसेंट ट्वीट में भी किया था। कुछ लोग पसे पर्दा और गुमनाम रहना चाहते हैं और सेठ आबिद का नाम इन्हीं लोगों में आता है, मगर किस्मत ने इस नाम के साथ शोहरत लिखी थी जो ना चाहते हुए भी इसका सारी जिंदगी पीछा करती रही। जब जावेद मियां दाद ने अपना वो बैट नीलामी के लिए पेश किया जिससे शारजा में यादगार छक्का मारकर शारजा कप जीता गया था, सेठ आबिद ने सबसे ज्यादा नीलामी देकर ये बैट खरीद लिया था और ये खरीदारी उसको शोहरत की एक अलहदा ही दुनिया में ले गई थी। सेठ आबिद का एक बेटा अयाज अहमद लाहौर की मारूफ मार्केट में ज्वेलरी और सोने का कारोबार करता था। 2 नवंबर 2006 को अयाज अहमद को उसके सिक्योरिटी गार्ड ने गोलियां मार दी थी और यूं डॉक्टर हॉस्पिटल में ये अपनी जिंदगी की बाजी हार गया था। सेठ आबिद का अपने काम को सही पेश करने के लिए अपनी ही मंतक थी कि मेरे इस काम से लोगों को सोना सस्ता मिलता है और जरा सोचें मेरी वजह से कितनी ऐसी फैमिलियां होंगी जिनकी बेटियां ब्याही गई होंगी। इन्हीं कहानियों और हकीकतों के साथ सेठ आबिद 8 जनवरी 2021 को दुनिया से रुखसत हुआ। ये वो शख्स था जिसकी अनगिनत दौलत का हिसाब उसे शायद खुद भी ना मालूम था। दुनिया की हर नेमत से ये शख्स यकीनन फैज याब हुआ होगा, मगर यकीन करें इसे कफन की उतनी ही चादर मिली जो एक गरीब फाका कश को मिलती है। 2 गज कब्र की जगह भी कच्ची ही थी जिस तरह एक आम इंसान को मयसर है। जान लीजिए ना तो कफन की जेब होती है और ना ही कब्रें सोने की ईंटों से मजयन होती हैं। 2 गज की जमीन और सफेद चादर, बस यही सामान्य सफर और बाकी मेरे और आपके आमाल रह जाते हैं।